जय सरना। हमारे बीच में कृष्ण गुरु जी आए हैं और हम सभी आदिवासी सरना समाज को मार्गदर्शन कर रहे हैं और बहुत सालों से समाज के लिए काम कर रहे हैं, अपने धर्म के लिए काम कर रहे हैं। तो मैं गुरु जी से और हमारे गुरु जी के साथ में आए हुए हैं, उनका भी अपना परिचय देंगे और हम लोग आपस में बातचीत करेंगे और इस बातचीत के माध्यम से जो आपको अच्छा लगेगा उसको समाज के लिए एक्सेप्ट करना, अपने लिए भी स्वीकार करना और समाज अच्छा हो इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और मैं तो सबसे पहले आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे, आप लोग गुरु जी ठीक है ना कि आए हुए हैं और हमें अच्छा लगा कम से कम आप लोग का चरण हमारे घर तक पहुंचा, ठीक है ना, बहुत अच्छा लगा। और निशा जी से भी चाहेंगे कि आपको भी धन्यवाद, ठीक है ना, यही हमारा साथी है, इन्हीं लोगों के साथ हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं, गिने चुने हैं, ठीक है ना, ये है और दो तीन एक्स सर्विस मैन है और भी साथ रहते हैं लेकिन मिक्सर ज्यादा से ज्यादा नजदीकी यही लोग करते हैं। तो हम चाहेंगे आप अपना परिचय दीजिए। आप सब को जय शर्मा। जय शर्मा, मेरा नाम किरण मुंडा है और मेरा गांव है बलकुदरा, पतरातु प्रखंड और जिला रामगढ़ से है और केंद्रीय आदिवासी सरना प्रार्थना सभा जय सरना ट्रस्ट का हम केंद्रीय सचिव है और अभी हम वकालत का पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई के साथ साथ ज्यादा रुचि अपने समाज और अपने घर के प्रति और इस समाज को आगे ले जाना चाहती हूँ, बस इतना। चलिए ठीक है, आप बताइए आप लोग को मेरी तरफ से। जैसा जैसा मेरा नाम है प्रदीप राम, मेरा घर हो गया बरतुआ बड़कावन प्रखंड जिला है हरिहर। ठीक है, अभी क्या कर रहे हैं? अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं, अभी सेकंड ईयर इंटर का इस बार एग्जाम देना है। अच्छा, तो गुरुजी आप बताइए अपना परिचय। जय शर्मा, मेरा नाम धर्मगुरु श्री कृष्णा और आदिवासी सरना प्रार्थना सभा जय सरना ट्रस्ट के केंद्रीय अध्यक्ष और पहले पूर्व में मेरा गांव रामगढ़ जिला का बड़का कना क्षेत्र ग्राम कुल्लू बस्ती मेरा गांव है और अभी फिलहाल में हम 10 साल लगभग से हजारीबाग जिला के कठमचांडी प्रखंड और ग्राम पत्थर कुदवा शरणास्थल में रहते हुए और अपना समाज के लिए अगुवाई कर रहे हैं और जहाँ भी आवश्यकता पड़ता है समाज के लिए धर्म को दिशा बताने के लिए और या फिर शरणास्थल किसी गांव में नया से पूजा पाठ स्टार्ट करवाना है, इस तरह से हमको अगर कोई बुलाते हैं तो हर समय हम रात हो या दिन हमेशा तत्पर रहते हैं और गांव और समाज के लिए उनका हमेशा हम 24 घंटा सहयोग भी करते हैं और साथ भी देते हैं जो हमसे बन पड़े जी नहीं करते। आप अपना परिचय दें। जय सतना, मेरा नाम धनेश्वर उराव, ग्राम बुंगादा, पोस्ट सिल्ला, थाना सिमरिया बख्तर और जिला चतरा। जय धनेश, जय सरना। मेरा नाम बिरसा राम है, नाम मेरा सुरसा मांडर रांची का रहने वाला। तो जय सरना, और मैं जितरंजन उराव, मैं आज हम अपने समाज के बारे में जो सोच बनता है और अपने समाज की तरह लाइन अप करना है हम आपस में बात करते हैं। तो हम गुरुजी से ही पूछना चाहेंगे, गुरुजी आप इस क्षेत्र में कितना दिन से काम कर रहे हैं? करीबन हम सबसे पहले आदिवासी छात्र से लगभग 6 साल के और वहीं रहते हुए शरणा प्रार्थना सभा रांची जिला से चंदगड्डा गांव में
प्रथम बार स्टार्ट हुआ और सेकेंड में मेरा गांव उल्लुम बस्ती में सरना पूजा स्टार्ट होने के बाद से ही हम सरना धर्म का अगुवाई करना स्टार्ट कर दिए और आदिवासी छात्र संघ में बहुत कम ही समय दिए और इससे चलते हुए हम रामगढ़ जिला होते करते हजारीबाग में बहुत जितना भी गांव टोला में उधर बना है सरना स्थल घूम फिर के हर गांव में एक एक गांव में जाके बनवाए और अभी चतरा और लातेहार जिला में और बहुत सारा तो रांची जिला में भी ये कार्यक्रम अभी किए हैं और अभी करते हैं। और आज है तो हम करीबन सोमवार को जो शरणा धर्म यात्रा जो 10 फरवरी से जो हम निकाले थे और उस समय लॉकडाउन होने के कारण से जितने गांव में हम भ्रमण करने के लिए गए थे और दोबारा नहीं जा पाए जिसके चलते आज हो गया 5-6 दिन निकले हुए हर गांव में जाके मिलजुल रहे हैं, हाल समाचार पूछ रहे हैं कि ये लॉकडाउन में आपका घर परिवार और गांव टोला में अच्छा या बुरा इसका संदेश लेते हुए और फिर दोबारा रांची होते करते जैसे कि आज चित्तरंजन जी जब बुलाए तो हम फिर इनके पास आए घूमते करते और फिर यहाँ से जो भी दो चार बात होंगे और इसके बाद फिर हम लौट जाएंगे। तो अभी गुरु जी आपके साथ में मतलब कितने सहयोगी हैं? अभी हमारे साथ में रामगढ़ जिला बरकुंडा के ग्राम बरकुंडा से धर्म गुआ सुश्री किरण मुंडा जी हमारे साथ में हैं और चतरा जिला से सिमरिया प्रखंड से पहान धनेश्वर उराव और बड़का गांव क्षेत्र से पहान प्रदीप उराव अभी हमारे साथ में मिल के और भ्रमण कर रहे हैं और हर एक गांव टोला के विषय में जानकारी ले रहे हैं। और जैसे कि कल सरना धर्म कोड के लिए जो ज्ञापन सौंपे उनके लिए भी कुछ कुछ प्रखंड में जाके हमको समय मिला तो जाके बताएं कि क्या करना है। बहुत से ऐसा काम था जिसके कारण से जानकारी नहीं होने के कारण वो नहीं जान पा रहे और फिर गए और ये कार्य भी हर एक प्रखंड में उधर गोंडा रामगढ़ बोकारो तरफ जितना भी था वो सभी प्रखंड में मिलकर और आदमी सरना धर्म कोड के लिए आगे आए और ज्ञापन भी सौंपे इस तरह सारे प्रखंड में हुआ करें बस। और ये अपना जो कोड करें सभी तो हम लोग को जो करना था तब दिया होगा तो हम लोग जो होना है आगे करेंगे लेकिन हम मैं से भी चाहेंगे कि आप बड़ा पढ़ाई करते करते वकालत करते करते अपना सरना धर्म के काम कर रहे हैं तो आज हमारे समाज में जितना भी पढ़ाई लिखाई की है ना जी। जितना भी जो किसान या बड़ा बड़ा जो पढ़ते गए वो लोग समाज से दूर होते थे तो मैं बहुत लोगों को बोलता हूँ कि भाई देखिए आज हमारे समाज में जितना भी पढ़ लिख के शिक्षित होते गए समाज को छोड़ते गए धर्म से दूर होते गए और अन्य धर्म की तरफ लोगों का झुकाव चला गया या अपने धर्म से मतलब जो एक तरह से प्यार होना चाहिए वो नहीं हो पाया। तो आप पढ़ाई करते करते इस काम में लगे हुए गुरु जी के साथ दे रहे हैं तो आपका मतलब आपका सोच को बताइए कि क्या सोच है और जो अभी एजुकेशन में है पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं उनके प्रति आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम अपने आदिवासी समाज या वो सरना धर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं लेकिन मैं सभी के ही संदेश देना चाहती हूँ कि पढ़ें लेकिन अपने समाज को जो पिछड़ते जा रहे हैं उसमें जोर देना है ध्यान देना है और साथ ही साथ कुछ ऐसा व्यवस्था बनाना है जो हमारे समाज में नहीं है। उदाहरण के तौर पे देखते हैं कि जो मुस्लिम धर्म है या ईसाई धर्म है या फिर हिंदू धर्म है कहीं ना कहीं उसका सारी चीज से व्यवस्था बनाया गया है कि
कि तुम्हें दुख है, तकलीफ है, डर है, भूत है, प्रेत है, आए दिन सभी समाज के लोग के साथ है, सबके साथ है। अकेले भूत प्रेत का डर या इसका खौफ सिर्फ आदिवासी के पास नहीं है, सभी लोग के पास है। लेकिन हमारे समाज में ऐसा कहीं व्यवस्था नहीं है। पूजा करने का तो तौर तरीका और सरना धर्म दिखता है, लेकिन किसी वजह से कहीं ना कहीं टूटा फूटा समाज है। पूजा करने चले गए, विश्वास किए तो अच्छा, नहीं किए तो फिर बाहर निकलने के बाद किसी का दुख दूर हो जाता है, किसी का नहीं हो पाता है, तो फिर वे भटकते भटकते कभी ईसाई की तरफ चले गए, कभी मौलाना के पास झड़वा लिए, या कभी जैसे भगत या भक्ता है उससे झड़वा लिए, या फिर उझा ध्वनी से, क्योंकि व्यवस्था नहीं होने के कारण यह शरणास्थल बना था हमारा। वहीं से एक ये भी कहा गया शरणास्थल जो बना था जो, उसके बारे में मैं अपना सोचता हूँ कि शरणास्थान हम लोग को जब सृष्टि हुआ है ना, उस समय से ही मतलब जब सृष्टि हुआ था उसमें अगर वो काफी हुआ तो एक भगवान का ही या चरणा माँ का शरणा माँ का ही देन है कि वो स्थान चुना है ना, कि भाई यहाँ से हमको मतलब हम लोग शांति से पूजा पाठ करना का एक स्थान हो, इस टाइप का। तो शरणा स्थान के बारे में प्रश्न बताए। तो उदाहरण के तौर पे इसीलिए मैंने उस ओर ले गए क्योंकि हमारे शरणास्थल पहाड़ है, तो यहीं से शुरू होता है, भटकाव भी और अच्छा हो, दोनों चीज यहीं से शुरू होता है। इसलिए उदाहरण के तौर पे मैंने इसको बताया। हमारे चर्च है ईसाई धर्म के, वहाँ फादर है, सिस्टर है, और तरह तरह के खंड में उसे व्यवस्था बनाया गया कि यदि तुम्हारे घर में या उससे जितने बिलोंग करते हैं या उस धर्म से जितने जुड़े हैं या फिर ईसाई धर्म में जितने भी कोई भी कार्य हो, शादी या फिर मुंडन, छठी, मृत्यु, जितने भी कार्य आते हैं हमारे, ये सारा चीज उन पे व्यवस्था बनाया गया है। कुछ भी हो उस समाज के ही नियम तौर तरीके से चलना, लेकिन एक तरह से हमारे समाज ले लिया जाए हमारे समाज के पास शरणास्थल व्यवस्था मिल गया, लेकिन पूरा तरह से इसको जिम्मेदारी सौंपा नहीं गया और वो व्यवस्था आज भी नहीं मिल पाया, कहीं ना कहीं अधूरा है। जब हमारे पास कोई ऐसा वजह आ जाता है, मान लिया जाए शादी ही आ गया, जन्म ही आ गया या मृत्यु ही आ गया, शरणा तो हम जा रहे हैं, लेकिन जब इस नियम का पारी आया कि हमें करना क्या है, तो फिर हम वहीं पे जाके गिरे, समझ नहीं आया, या फिर किसी कारणवश भूत प्रेत या ड्रामा या कुछ भी हो गया, हम शरणास्थल ले गए और ना ठीक हो पाने के कारण फिर हम नहीं ठीक हुआ, तो फिर कहीं ना कहीं रास्ता ढूंढने लगे, कहीं ना कहीं जाएगा ही नहीं होने के बाद, क्योंकि पूरा तरह से व्यवस्था नहीं बन पाए। सौंप तो दिया गया शरणास्थल, शरणास्थल पूजा करना है, बृहस्पतिवार को आना है, मिलना है, लेकिन वो व्यवस्था हमारे समाज में नहीं बन पाया, नहीं है। तो अभी जैसे हम जो पढ़े लिखे हैं जी, उनको आप क्या संदेश देना? तो मैं यही संदेश देना चाहूंगी, उस व्यवस्था को, हॉस्पिटल का व्यवस्था, उस व्यवस्था को बनाना है कि वो तो करना ही है, लेकिन कुछ जब सामने आती है या भूत प्रेत से हो या फिर कोई भी नियम धर्म हो, उसको एक सुचारू रूप से होना चाहिए। अगर किसी कारण बस किसी के घर में कोई बाल बच्चे को डरा गए, सबसे पहले तो उसको विचार करना है, क्या वो सो पाए, कितना दिन से सोए या नहीं सोए। अच्छा, तो हाँ, गुरु जी सब चाहेंगे कि जो दुनिया में प्राकृतिक है और इससे बहुत तरह मौसमी बदलाव होता है, धूप है, बरसात है, ठंडा है, इसके कारण से भी आदमी दुख तकलीफ रहते हैं। तो किसी भी कारणवश किसी अंधविश्वास से जाने से पहले हमको डॉक्टर के पास जाना चाहिए और
सलाह भी उसी से लेना चाहिए। ये नहीं कि अंधविश्वास पे जो मेरा पूर्वज चले गए और आज भी ऐसे ही मेरा समाज में जो है उस जगह से निकल के और जो भी हो डॉक्टर से तो कमाई चाहिए ना, एकदम निश्चिंत है डॉक्टर से कमाई चाहिए, लेकिन डॉक्टर भी मतलब पॉकेट में ध्यान रखता है ठीक है ना, उसको भी नहीं कह सकते कि हाँ ठीक है ना, उनको आदमी को कहाँ काम करता है क्या क्या काम करता है विश्वास विश्वास ठीक है ना। अभी जैसे मैं कल परसों मेरा नया विचार पैदा हुआ ठीक है ना, बोल रही थी डर डर के बारे में एक मेरा एक नया विचार आया है, दुनिया में देखा जाए तो भूत प्रेत नहीं है लेकिन हमारे बचपन से ही हम लोग का जो छोटे छोटे रहते हैं उस समय से ही मतलब भूत प्रेत डायन सही तरह से मतलब डर पैदा कराया जाता है, ये आदर्श चीज है ठीक है ना, ये आदर्श चीजें दिखाई तो कुछ नहीं दे रहा है लेकिन एक बचपन से एक जैसे घर खून दिखाई दिया लाल खून भी दिखाई दिया क्या बोलेगा इसका तंत्र मंत्र करके तंत्र मंत्र किया कुछ कुछ हो मतलब फिर दिमाग में शंका घुस गया तो डर पैदा करा दिया, डर जब पैदा करा दिया तो अभी हम लोग बचपन से ही हुआ मेरा एक स्वभाव रहा है गुरु जी आपसे बता रहे मेरा एक स्वभाव था कि जहां पर नहीं बोलते थे जाने के लिए वही जाता था और बोलते थे कि ये मतलब डाइन मिशा है इनके पास में नहीं जाने थे वही जाते थे, तो मेरा अभी भी ऐसे ही स्वभाव है जहां बोलते हैं कि नहीं जाना चाहिए जहां बोलते हैं खतरा हो गई ठीक है ना, तो आप बताइए इसे ना क्या खाना चाहते हैं। हम तो यही कहना चाहते हैं कि जो भूत प्रेत जो विज्ञान विषय सब होता है सब अंधविश्वास है और मन में अगर हम अपना करते हैं साफ से तो ये पूजा पाठ जो है हम अपना किए तो उसी से हमें हो जाता है, जैसे भी शरणास्त्र जाते हैं या पूजा पाठ करने गए हैं या दुख या तकलीफ जो भी है तो हम विश्वास करके गए उसके पास, उसमें जो भी जल चावल जो मिला उसी को खा के हम ठीक हो जाते हैं, वही हमारा विश्वास है इसी बोलते हैं विश्वास विश्वास ठीक है ना, इसी बोलते हैं विश्वास, देखिए आपके अंदर विश्वास है ना, तो विश्वास है एक कहीं में एक आदमी पढ़ा था एक डॉक्टर ने मतलब उसको बोला कि भाई आपको ऑपरेशन करना है और ऑपरेशन किए बिना ठीक नहीं हो पाओगे ना, तो वो डॉक्टर ने क्या किया उसको रखा उसके बाद में हल्का से चीरा किया उसका ऑपरेशन से कुछ नहीं किया लेकिन चीरा उचर करके सिलाई कर दिया ताकि उसको बीमारी उमारी नहीं था, बीमारी नहीं था लेकिन उनको दिमाग में था कि भाई हमारा अंदर कुछ ना कुछ पेट में गड़बड़ सड़बड़ कुछ कुछ है, डॉक्टर ने समझदार था उसने सिलाई किया सिलाई वगैरह कर दिया उसके बाद उसने बोला ठीक है आपका ऑपरेशन हो गया है आप ठीक हो जाओगे, वो कुछ दिन में अपना ठीक हो गया है